हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और आज का बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल एक अनोखा टॉपिक के ऊपर है कि हाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क इज डेंजरस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। एक धंधे वाले का काम क्या है? रिस्क लेना, कंटिन्यूसली रिस्क लेना और रिस्क प्रोन जोन में बैठा रहना। और दूसरा एक जोन होता है जोन ऑफ कंफर्ट। सबसे ज्यादा कंफर्ट आदमी को, धंधे वाले को कहां पर मिलता है आपको मालूम है? यू नो इट इज इन द ऑफिस। और ये ऑफिस इतना कंफर्टेबल जगह है कि वो वहां पर जाके अपने आप को फाइलों के बीच में छुपा देता है। मेरा हमेशा मानना है कि ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां धंधे वाले का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और अगर नहीं ऑफिस होगा तो हाई क्वालिटी लाइफ का रिजुविनेशन होगा। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां पर डिस्ट्रैक्शन होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां पर इंटरप्शन होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां पर इनकम्प्लीशन होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां लॉस ऑफ फोकस होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां लॉस ऑफ रिलेशनशिप होता है। ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां लॉट्स ऑफ वर्क मैन्युफैक्चर्ड, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क इज मैन्युफैक्चर्ड, लॉट्स ऑफ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज आर डन एंड ऑफिस एक ऐसा जगह है जहां पर देर इज फेलियर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चर करते हैं धंधे वाले ऑफिस के अंदर बैठ बैठ के। ये सभी चीजें जो मैंने आपको भी बताया ये सब हो रहा है। और इसका ऑपोजिट देखिए क्या है। अगर आप ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड है तो एक नो ऑफिस फिलॉसफी होना चाहिए। नो ऑफिस का मतलब है आप ऑफिस में नहीं है एंड देयरफॉर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है नो स्कोप फॉर डिस्ट्रैक्शन, यू नो इंटरप्शन का ऑपोजिट है एबिलिटी टू पे अनडिवाइडेड अटेंशन, इनकम्प्लीटनेस का या इनकॉम्पिटेंस। ऑफिस एक जगह है जहां आपका कॉम्पिटेंस की वाट लग जाती है और हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अगर चाहिए तो नो ऑफिस का कॉन्सेप्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़े। लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो ऑफिस में होता है, एक्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर आपके पास ऑफिस नहीं है। लॉस ऑफ फोकस में आप फोकस में आ सकते हैं। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है ऑफिस में और देयरफॉर आपको न्यूअर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप होता है ऑफिस में, लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाना है। और लॉस ऑफ पेपर वर्क, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क होता है, लॉस ऑफ नहीं, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क होता है तो नो पेपर वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है। लॉट्स ऑफ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होता है एंड देयरफॉर फोकस होना चाहिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फेलियर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स होता है ऑफिस में और टेंजिबल रिजल्ट्स होता है मार्केट में। देयरफॉर धंधे वाले को नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ना करते हुए, ऑफिस में ना बैठते हुए हमेशा, और क्योंकि ऑफिस एक कंफर्ट जोन है और कंफर्ट जोन में बैठ के आदमी मैन्युफैक्चर करता है। टॉपिक का नाम क्या है आज का? द हाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क इज डेंजरस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑफिस में बैठ के काम को मैन्युफैक्चर करते हैं, देयरफॉर आपका जगह है इन द मार्केट प्लेस रेवेन्यू जनरेशन। आप लोगों को मिलते रहिए एंड फॉलो द नो ऑफिस प्रिंसिपल। अगर आप ऑफिस में नहीं गए तो 40% आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। मुद्दा यह भी उठता है कि आप खाली ऑफिस में आ रहे हैं ऐसा नहीं, आपके साथ आपके जो सेंट्रल लीडरशिप टीम है, आपका सेल्स हेड वो ऑफिस में क्या कर रहा है, आपका मार्केटिंग हेड वो तो कस्टमर नए एसोसिएशंस के साथ और नए कैंपेन पीपल के साथ टाइप करने के लिए बाहर मार्केट में रहना चाहिए। आपका कंटेंट का आदमी सिंपोजियम्स और नए नए प्रोग्राम्स अटेंड करते रहना चाहिए, वो ऑफिस में क्या कर रहा है। आपका सेल्स हेड जो है नए नए कस्टमर्स को लाना चाहिए, वो ऑफिस में क्या कर रहा है। देयरफॉर The no office concept is a very important concept. और आपका टीम को भी ऑफिस में बैठना नहीं चाहिए, आपको डिस्करेज करना चाहिए। हर आदमी को पहले अपने आप को डिस्करेज करना चाहिए और आपके साथीदार को भी आपको डिस्करेज करना चाहिए। बिकॉज ऑल दीज पीपल जो ऑफिस में बैठते हैं वर्क को मैन्युफैक्चर करते हैं और वर्क को कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर करना ये बहुत ही डेंजरस है। वर्क ऐसा होना चाहिए जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जावे, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जावे। वर्क ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आप मार्केट में डिसरप्शन को लावे। वर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें रेवेन्यू का मल्टीप्लीकेशन और रेवेन्यू का जनरेशन होना चाहिए। वर्क ऐसा होना चाहिए जैसे कि
एक शिफ्ट मार्केट में आप ला सके। ऐसा काम अगर ऑफिस में हो रहा है तो ऑफिस में आपके हेड्स को बिताइए, आप भी थोड़े टाइम के लिए आइए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डूइंग नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग वर्क। तो मेरा एडवाइस आपको ये है आज का ये बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल में कि आप ऑफिस से बाहर निकलिए, नो ऑफिस कॉन्सेप्ट के ऊपर लाइए। मेरा इंपैक्ट मल्टीप्लायर वीडियो में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज को और भी गहराई से समझाया हुआ है, आप इंपैक्ट मल्टीप्लायर में संतोष नायर ले लेना। और ऑफिस एक बहुत डेंजरस जगह है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर हो रहा है तो आइए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क अगर हो रहा है तो आप उसको डिसएग्री कीजिए, ये बहुत डेंजरस है और आपको और आपके टीम को डिस्करेज करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे एक और बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। याद रखिए, नो ऑफिस नो ऑफिस नो ऑफिस। ऑफिस जो है ब्रिटिश लोग ने बनाया था चीजों को कंट्रोल करने के लिए, आदमी को लाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, वो एक जगह है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और धंधे वाले को कंट्रोल कुछ नहीं करना है, धंधे वाले को सिर्फ कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल्स करना चाहिए, नॉट कंट्रोल ऑफ पीपल। और ऑफिस में आता है हर चीज को कंट्रोल करने के लिए और इसीलिए मोस्ट ऑफ द धंधे वाले कंट्रोल फ्रीक्स हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो धंधे वाला है, उसका काम रिस्क लेना है। लीडर्स होना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है और मैनेजर्स डेली कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना चाहिए धंधे वाले का, और जो सीनियर लीडर्स है उनको भी धंधे वाले की माफ़ सोचते हुए रेवेन्यू जनरेशन मार्केट डिस्प्लेसमेंट बड़ा काम करने के लिए बाहर रहना चाहिए, ऑफिस में बैठना नहीं चाहिए। सबको डिस्करेज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है।